इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का यह मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं हो रहा है। यह सांस रोक देने वाला मुकाबला है, दिल थाम के देखने वाला मुकाबला है, क्योंकि यह मुकाबला काफी ज्यादा बेहद ज्यादा खतरनाक मुकाबला हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज 5 नवंबर 2023 आज विराट कोहली का जन्मदिन भी था, और मैं आपको बता दूं जन्मदिन के साथ साथ जो है विराट कोहली ने कुछ ऐसी आज बैटिंग की है जिसको देखने के बाद आप भी उनको एक बार दिल से सलाम करोगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा रोमांचक मैच दिखाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आज विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखने के बाद आप एक बार चौंक जाओगे, दिल से सलाम करोगे। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मुकाबला आज बेहद ज्यादा खतरनाक मुकाबला हो रहा है, क्योंकि इंडिया टीम यहां पर पहले बैटिंग कर रही है और बॉलिंग कर रही है वो साउथ अफ्रीका की टीम है। जी, मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा और शुभम गिल आज बिल्कुल फ्लॉप रहे, कोई ज्यादा खास रन नहीं बना पाए, लेकिन आज जो है विराट कोहली की बैटिंग देखकर आप भी एक बार चौंक जाओगे कि विराट कोहली ने इतने रन आज ठोक दिए हैं। जी हां, अपने नाम एक अर्धशतक पूरा कर लिया है। विराट कोहली ने आज छक्के पर छक्के और चौवे पर चौवे जड़कर अपने नाम अर्धशतक कर लिया है। विराट कोहली ने काफी अच्छी बेहतर पारी खेली। एक तरफ देखा जाए तो आज जो है इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल बिल्कुल फ्लॉप रहे और विराट कोहली के कंधों पर सारी की सारी जिम्मेदारियां आ गई। विराट कोहली आज काफी बेहतर खेले हैं और उनका आज जन्मदिन भी था। विराट कोहली ने आज छक्के पर छक्के चौके पर चौके जड़ दिए। फिलहाल विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव और आप रोहित शर्मा में से आप किसे बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पल पल की अपडेट से जानकारी हमेशा इस चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।